संसद की सुरक्षा में चूक मामले में पांचवें आरोपी ललित झा ने देर रात दिल्ली में सरेंडर किया। खुद कर्तव्य पथ थाने पहुंचा था आरोपी ललित झा। वारदात के बाद संसद भवन से हुआ था फरार। ललित झा ने जब पुलिस थाने में सरेंडर किया तब उसके साथ एक और शख्स मौजूद था। सरेंडर के बाद उसे दिल्ली पुलिस ने स्पेशल सेल को सौंप दिया था। आरोपी ललित से कई घंटों तक पूछताछ की गई। ललित ने बताया कई महीनों पहले से ही संसद कांड की साजिश रची जा रही थी। उसने बताया कि संसद में एंट्री के लिए पास की व्यवस्था करने में परेशानी हो रही थी। पूछताछ में पता चला कि आरोपी ललित ने ही अपने चार साथियों के फोन को राजस्थान में नष्ट करके फेंक दिया था। ललित के पास आरोपी अमोल, मनोरंजन, सागर और नीलम के फोन थे। दिल्ली से भागकर ललित सीधा राजस्थान में अपने दोस्त महेश के पास पहुंचा, जहां महेश ने उसके होटल में रहने की व्यवस्था करवाई थी। पकड़े जाने के डर से ललित ने दिल्ली लौटकर सरेंडर किया। खबर यह भी है कि पुलिस ने महेश और उसके एक अन्य साथी कैलाश को भी हिरासत में ले लिया है। अब महेश को ही संसद साजिश का मास्टरमाइंड माना जा रहा है। आरोप है कि ललित झा ने ही संसद में छिपकर संसद स्मोक कांड का वीडियो बनाया ताकि उसे सोशल मीडिया पर वायरल किया जा सके। आरोपी ललित झा ने बंगाल में हुगली के रहने वाले नीलाक्ष को संसद का वीडियो भेजकर वायरल करने को कहा था। नीलाक्ष एक एनजीओ चलाता है। दोनों की मुलाकात एक सेमिनार में हुई थी। नीलाक्ष ने TV9 भारतवर्ष को बताया कि उसे खुद नहीं पता कि आखिर ललित झा ने उसे ये वीडियो क्यों भेजा है। ललित ने वीडियो देखने और सेव करने के लिए भी कहा था। संसद स्मोक कांड को सरकार ने माना आतंकी गतिविधि जैसी घटना। कोर्ट में दिल्ली पुलिस के वकील ने कहा जूते में छिपाकर हुआ कलर बम का इस्तेमाल। सभी आरोपियों के खिलाफ IPC और UAPA के तहत केस दर्ज हुआ है। 7 दिन की रिमांड पर 4 आरोपी। सुरक्षा चूक मामले पर संसद के दोनों सदनों में हंगामा। लोकसभा से 13 और राज्यसभा से 1 सांसद सस्पेंड। सांसदों को सस्पेंड करने पर भड़की कांग्रेस। मल्लिकार्जुन खड़गे बोले ये लोकतंत्र का निलंबन है। आज राजस्थान के नए CM के रूप में भजनलाल शर्मा शपथ लेंगे, तो वहीं दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। राजस्थान में नई सरकार का शपथ ग्रहण आज। प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, JP नड्डा समेत कई नेता रहेंगे मौजूद। जयपुर में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने से पहले प्रेमचंद बैरवा ने जयपुर के मोती डूंगरी गणेश मंदिर में पूजा की। वहीं शपथ लेने से पहले प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि हर परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार हूं, जो जिम्मेदारी मिलेगी उसे ईमानदारी से निभाऊंगा। डिप्टी CM प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि उनकी सरकार राजस्थान में कांग्रेस के करप्शन की जांच करेगी और महिलाओं, दलितों की तरक्की के लिए काम करेगी। ज्ञानवापी के बाद मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह परिसर का होगा सर्वे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दी मंजूरी। वीडियोग्राफी का भी निर्देश दिया गया। वहीं आज सुप्रीम कोर्ट में शाही ईदगाह ट्रस्ट की याचिका पर भी सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में इलाहाबाद हाईकोर्ट के 26 मई के आदेश को चुनौती दी गई है। 26 मई को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह विवाद से जुड़े सभी मामले अपने पास ट्रांसफर करने का आदेश जारी किया था। TMC नेता मऊआ मोइत्रा ने सांसदी रद्द होने की प्रक्रिया को गैर कानूनी बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। मऊआ की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। फ्यूचर ऑफ न्यूज अवार्ड्स 2023 में बजा TV9 भारतवर्ष का डंका। सभी को पीछे छोड़ते हुए 21 अवार्ड अपने नाम किए। महादेव बैटिंग ऐप मामले में एक्टर साहिल खान को समन। मुंबई क्राइम ब्रांच की साइबर सेल ने समन जारी किया है। आज साहिल को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। चुनाव आयोग पहुंचे YSR कांग्रेस पार्टी संसदीय दल के नेता विजय साई रेड्डी। आंध्र प्रदेश में फर्जी मतदाताओं को जोड़ने के आरोप में TDP के खिलाफ चुनाव आयोग से की शिकायत।